हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। बहुत सारे एट क्लास वाले के स्टूडेंट्स मुझको कमेंट करके रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर सोशल का भी हमको एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन अपलोड कीजिए एस सेवन के लिए। तो मैंने एक टीचर से हेल्प लिया है ताकि वो लोग सोशल के इम्पोर्टेंट अपलोड कर सके। तो आपको सोशल स्टडीज में पढ़ना है, 13 लेसन पढ़ना है आपको। इसके अंदर से कोई रिड्यूस रहता है तो उसको छोड़ दीजिए और 13 लेसन आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट लेसन में अगर हम इम्पोर्टेंट की तरफ जाएंगे तो फर्स्ट लेसन देखिए, ये फर्स्ट लेसन क्या है। तो यहां से आपको सेकंड, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन आपको यहां से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड लेसन की ओर आप जाएंगे तो सेकंड लेसन में यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ये सी और डी, इसके अंदर फोर्थ, ये क्वेश्चन अच्छा याद करना है आपको, सिक्स्थ वाला इस टाइप के। और इस तरफ ये ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है एट और नाइन्थ दोनों भी आपको याद करना है। उसके बाद थर्ड लेसन में आते हैं, थर्ड लेसन में देखिए सेकेंड, फिफ्थ और एट। फोर्थ लेसन में हम आते हैं, फोर्थ लेसन में यहां से आपको पढ़ना है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फिफ्थ लेसन में आपको पढ़ना है यहां पे देखिए फर्स्ट, यहां से फोर्थ, सिक्स और सेवेंथ। सिक्स लेसन में आ जाएंगे हम, सिक्स लेसन में फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सिक्स आपको पढ़ना है। सेवेंथ लेसन में आ जाएंगे हम, फर्स्ट, फोर्थ और सेवेंथ, तीन आंसर आपको पढ़ना है इसके अंदर से। इसके बाद एट लेसन में आ जाएंगे हम, तो यहां पे है फर्स्ट, थर्ड या सिक्स आपको अच्छी तरह याद करना है, उसके बाद एट वाला। नाइन्थ लेसन में आ जाएंगे हम, नाइन्थ लेसन में फर्स्ट है, थर्ड है और यहां से सिक्स है। उसी तरह ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कैसे भी कंपलसरी पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ना है एट और नाइन्थ भी। टेंथ चैप्टर में आ जाएंगे हम, टेंथ चैप्टर में सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, एट, नाइन, टेंथ, इतने आपको पढ़ना है। अलेवेंथ आ जाइए, लास्ट लेसन, अलेवेंथ में फर्स्ट, फिफ्थ, सेवेंथ, एट, ये आपको पढ़ना है। इतने लेसन आपको, इतने आंसर्स पढ़ेंगे तो बहुत हो जाएंगे। और जरूर पढ़ के जाइए, अच्छा लिखिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स।